देखो बेटा, नोट्स हैं कुछ वेलोसिटी के बारे में, जितना आपने पढ़ लिया था कल, डी आर वेक्टर बाई डी टी। पहली बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मान लो पार्टिकल ऐसे कुछ जा रहा है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है किसी भी डी आर वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा उस डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं जब ये डी आर बहुत छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। तो आप इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दो, डी आर वैक्टर बाई डी टी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ऐसे लिख दो। तो ये क्या बन रहा है आपका, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वैक्टर बाई डी टी कर सकता हूँ मैं, इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बट एवरेज में ऐसा नहीं है, कि वो तो पता ही है आपको, एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड के बराबर होना जरूरी नहीं है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कभी भी आप डी एस बाई डी टी को मैग्नीट्यूड ऑफ, ये बहुत यूज करूंगा बेसिकली, कभी भी आप डी एस बाई डी टी को मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कई क्रूशियल जगह पे ये यूज होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल, बट एवरेज के लिए ट्रू होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इश्यू जो आप हैंडल करेंगे जब ड्यूरिंग प्रॉब्लम, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लो स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती थी, स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती थी, बट वेलोसिटी का प्लॉट ऐसे आ सकता है ना बेटा, वेलोसिटी का प्लॉट ऐसे जरूर आ सकता है। तो आप बता सकते हैं कि नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मीनिंग है, ये वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, इसका क्या मीनिंग है? हाँ, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सेस में, कोई आपने किसी को पॉजिटिव एक्स बोल दिया जैसे, तो ये पॉजिटिव एक्स के अलोंग है ये पार्ट। नेगेटिव वेलोसिटी इम्प्लाइज वी वेक्टर अलोंग माइनस आई कैप और माइनस जे कैप और माइनस के कैप, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या नाम दिया उसको, या फिर आप जैसा बोल रहे हैं वैसा भी सही है। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक है ना, एक डायरेक्शन को आपने क्या मान लिया, पॉजिटिव, तो उसका पॉजिटिव वेलोसिटी उस डायरेक्शन के अलोंग, उस डायरेक्शन के अपोजिट नेगेटिव वेलोसिटी। तो अगर आपसे कहे कि टी वन से टी टू के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बेटा पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, जितना कल बताया था वो सब बच्चों का पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी बात है, बस तभी समझ में आने वाला आगे का। तो T1 से T2 इंटरवल के बीच डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या बोला जाएगा, अगर आपका ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन T1 एंड T2 क्या बोलोगे? हाँ, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन T1 एंड T2 विल बी गिवन बाई क्या होगा, T1 से T2 का चेंज इन क्वाड्रेंट। हाँ, क्योंकि ये इसका एरिया जो नीचे आएगा ना, इसको नेगेटिव लेंगे बेटा, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब, जैसे मान लो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बढ़ रहा था इस पॉजिटिव वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो पॉजिटिव वाला कम होने लग जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये प्लॉट नीचे आ रहा है टाइम एक्सिस के, वो वाला एरिया ध्यान से आप नेगेटिव लेंगे, तो T1 और T2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस A3 के बराबर हो जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस A3 के बराबर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी, एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एंड एरिया बाउंडेड बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ कल बात हो चुकी है, वेलोसिटी की डेफिनेशन है dx बाई dt। तो एरिया बाउंडेड बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एरिया हाँ, तो इसलिए अगर वो नीचे आ रहा है आपका टाइम एक्सिस के, तो आप क्या लेंगे उसको, नेगेटिव लेंगे। तो स्पीड में प्लॉट नीचे नहीं आ सकता, बट वेलोसिटी में जरूर नीचे आ सकता है। तो
तीसरी बात मैं इसमें करूंगा आपको, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं बता सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? अरे इनके पीछे आ गया आपका, 10th वालों के पीछे। हाँ तो आप मुझे बता सकते हैं क्या वो क्या होती है आपकी यूनिफॉर्म? हाँ जैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले ईस्ट में था फिर साउथ में चला गया, तो भी आप यही कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, तो भी आप यही कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। बताइए, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर ईस्ट में जा रहा था उसमें साउथ में चला गया फिर भी यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन सीख लीजिए, जिंदगी भर याद रखेंगे। दो ही वर्ड है, तीसरा वर्ड ही नहीं है, वी वेक्टर कांस्टेंट, खत्म। वो सब आपकी पुरानी बातें थी जो आपको बचपन में कुछ गलत फहमियों के चलते, कुछ आपकी मैथ की लिमिटेशन के चलते सब याद करा दी गई थी, ठीक है ना? बट यूनिफॉर्म मोशन का दो ही वर्ड है, वी वेक्टर कांस्टेंट। बस एक और चीज़ है कि वी वेक्टर जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हुआ तो फिर मोशन ही नहीं, ठीक है ना? वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, बस उसके अलावा आपकी डेफिनेशन यही है, वी वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? तो जैसे मैं आपसे वहां पे जिस तरह से बातें कर रहा था उसी तरह से यहाँ बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, सारा वही सीक्वेंस है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग एज, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग एज, एक्स इक्वल टू 2t² + 3t, ठीक है? तो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगी, फाइंड आउट। पहला है आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगी। दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड कितना होगा, ये आप बता देंगे क्या? कैसे बताएंगे? आपको पता है वेलोसिटी पोजीशन दे रखी है तो आप सबको याद है वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt इज कॉल्ड वेलोसिटी। कितना आ गया, 4t + 3 आ गया, बोलिए। ये आपकी वेलोसिटी आ गई, तो आपको क्या पूछा है, आप 2 सेकेंड पर तो टी इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, ऐसे ही डील करते हैं बेटा इसको, किसी को डाउट तो नहीं है? बिल्कुल, 11 m/s आपकी वेलोसिटी आ गई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड कितना होगा, कैसे निकालें डिस्प्लेसमेंट, कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ वेरिएशन दे। हाँ तो टी इक्वल टू 0 पर कितना था फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब है, टी इक्वल टू 0 पर कोऑर्डिनेट देखेंगे आप, कितना है टी इक्वल टू 0 पे कोऑर्डिनेट, और आपका टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया आपका, 14 m आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बेटा कॉस तो क्लियर है आपको, कहीं भी दिक्कत होगी तो आप बताएंगे। हाँ बोलिए बेटा, सेकंड वाला कौन सा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्यों, एरिया से क्यों निकालना चाहिए? एरिया है आपके पास, प्लॉट है कहीं कुछ है? आप कह रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से निकल रहा है तो ऐसे नहीं करके मैं इसका स्ट्रेट लाइन का पहले ड्रॉ करूं और फिर एरिया से निकालूं? नहीं, वैसे कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेट करके निकालूं या इसका, बताइए। इसका इंटीग्रेट करके निकालूं, हाँ नहीं सौम्य क्लियर है बेटा एकदम। हाँ वेलोसिटी क्या है आपकी जिंदगी में, dx/dt या dr/dt, तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है आपको, तो dx/dt कितना आ जाएगा आपका, 4t + 3 आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपसे एक पर्टिकुलर इंटरवल में, तो चेंज इन कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग दैट इंटरवल विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और आपका एक